तो देखो अपन ने इतना कर लिया था, अब इसके बाद क्या करना है, नोज पे आओ। नोज पे देखो कि तुम्हें कहाँ तक कितना करना है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है वर्टिकली कर लो। तो वर्टिकली क्या होता, जैसे ये करूंगा मैं पास पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वर्टिकली ये मैं कर रहा हूँ जो, तो अपने नॉस्ट्रिल का कर्व आता है एरिया एक, ये इतना हो गया। फिर ये थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट होंगी, ये जो हाईलाइट आ रहा है वो तो यहाँ तक आ रहा है इंस्ट्रूमेंट्स, और ये आगे जाके ऐसे बंद हो गए, ठीक है। अब ये जो लाइन आ रही है, ठीक है, तो कहाँ तक आ रही है, ऐसे यहां से लेते लेते यहां तक, फिर यहां से लेते लेते यहां, यहां से लेते लेते, ठीक है। तो इस तरीके से अपने जो नॉस्ट्रिल रहती है, नोज स्टेम, वो आ जाती है, ठीक है। थोड़े थोड़े यहाँ पे भी बनाओ ताकि ये पतला हो जाए हाईलाइट वाला पोर्शन अपना। ये हुआ अपना, ठीक है। फिर यही सेम चीज अब इसे कंटिन्यू करते करते आगे तक, जैसे ये देख रहा हूँ ना, ये जा रहा है जो हिस्सा ऐसे, यही सेम चीज। तो अब एक बार में थोड़े बड़े स्ट्रोक्स भी लगा सकते हो, नहीं लग रहा है कोई परेशानी नहीं है, आधे आधे भी पोर्शन कर सकते हो, बस अपन का मेन है डायरेक्शन ना। तो ऐसे नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, ठीक है, से नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, और बस इतना मैं छोड़ क्योंकि अपन का भी ये एरिया आ रहा है। अब एक ये थोड़ा सा ये जो एरिया आ रहा है यहाँ पे, अपन ने लास्ट में नहीं बनाया था, ये ऐसे आ रहा है यहाँ आते हुए और ऐसे आते हुए, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके का अपना जो शेप रहता है वो हाईलाइट वाला शेप आ गया है। और फिर जो नोज में अपन को हैचिंग करनी होती है वो अभी से वर्टिकल करिए। तो पहले इतना करो नोज की बेसिक लेयर के लिए। तो देखो ये किया अपन ने, एक डायरेक्शन डाल दिया, दूसरी डायरेक्शन अगर यहाँ से आसपास से देखोगे तो तुम्हें दिखेगी डायगनल आ रही है। तो वो डायगनल अपन हर जगह कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस में एक बार ध्यान रखना, जो दूसरी लेयर आती है वो पास पास स्ट्रोक्स लगाओ, थोड़े डार्क से लगाओ, क्योंकि यहाँ पे भी वही हो रहा है, ठीक है। तुम्हें पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं ले जाना है, अभी सिर्फ इतना पोर्शन भरो। ये जो नॉस्ट्रल वाला रीजन है इसकी थोड़ा सा एरिया छोड़ना, ये कर्व वाला छोड़ना, और ये जो एरिया अपना जो डेप्थ वाला होता है ना नोज के पास, इसे फिल करो ऐसे, और ये फिल करते करते ऐसे ऊपर लेके। तो यहाँ पे मैंने ये हिस्सा छोड़ा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा मैंने छोड़ा है। अब इस वाले एरिया पे आते, तो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे भी एक डायगोनल वाली डायरेक्शन डालना स्टार्ट कर दो, पास पास करो, ठीक है। ऐसे करते करते और धीरे धीरे ये आईब्रो में चले गए, ठीक है। ये हुआ, फिर यही डायरेक्शन अपन, ये डायरेक्शन नहीं, थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे जो अपने नॉस्ट्रल का ये वाला एरिया रहता है यहां से लाएंगे, ठीक है। तो अब देखो ये वाला हिस्सा करने पे डार्क हुआ है, ये वाला हिस्सा अपना पूरा नीचे का जो इतना कर्व वाला एरिया आ रहा है ये डार्क है। तो इससे क्या होता है, अपन को एक और डायरेक्शन ऐड करनी है, तो वो डायरेक्शन ये डायगनल्स हो गए, ठीक है। इस तरीके से करते करते थोड़ा ऊपर भी ले गए अपन, देखो थोड़ा डार्क रखा था मैंने इसलिए ये वाला पोर्शन। उससे क्या हुआ, ये जैसे डार्क दिख रहा है, अब एकदम से डार्क भी अच्छा नहीं लगता, तो तुम्हें क्या करना है, यहां से थोड़े हॉरिजॉन्टल हल्के हल्के ऊपर ले जाते लाइट कर दो, बहुत हल्के हल्के तरीके से, ताकि वो डार्क टू लाइट जो है वो ब्लेंड होता हुआ दिखे अपन, ठीक है। फिर अपन अपनी कोई भी डार्क पेंसिल ले लो, लेट से तुमने 8 भी ले ली, और नॉस्ट्रल वाला जो पोर्शन है इसे फिल कर दो, ठीक है। फिर ये नॉस्ट्रल का जो कर्व आ रहा है इसकी आउटलाइन दो, नोज स्टेम का जो कर्व आ रहा है, ठीक है, आराम से इसकी आउटलाइन दो, नीचे आते आते वो लाइट हो जाएगा, ऊपर डार्क रहेगा, देख सकते हो यहाँ पे है, नीचे आते आते लाइट हो गया। वैसे कोई मत करना कि नीचे तक लाइट है, थोड़ा सा ये वाला हिस्सा जो कर्व है ये डार्क। अपन ने इतना किया, ओके।
लेकिन अभी भी मौसम का ये बसता है, तो क्या करो, तुमने ये डायरेक्शन में थोड़े यहाँ लगाए थे, ठीक है, तुमने इस डायरेक्शन लगाए, थोड़ा डायगनल या कर्व थोड़ा नीचे की तरफ और कर दो, मतलब डायरेक्शन थोड़ी सी बदल दो, अभी तुमने इस डायरेक्शन में लगाए थे, अभी थोड़ा सा उसे ऑल्टरेट कर दो, ठीक है, तो इस तरीके से करते करते थोड़े पास पास से रखना, नीचे करते करते ऊपर आ गए, ठीक है। तो अपन ने अपना नॉस्ट्रल वाला जो पोर्शन है वो इस तरीके से किया है, ठीक है, तो इतना कर लो, फिर अपन ये नीचे लिप्स और नोज के बीच वाले एरिया पे आते हैं। देखो अब अपनी को मूंछे मूंछों वाला पोर्शन आता, तो कैसे करना, ये थोड़े हल्के हल्के वर्टिकल, थोड़ा थोड़ा गैप चलेगा इनके बीच में इस तरीके से, और थोड़े डायगनल होते जा रहे हैं साइड में जाते जाते और नीचे की तरफ, यहाँ पे भी पहले वर्टिकल रहे, फिर जैसे जैसे अपन लिप्स के साथ जाते जाए ये ऐसे थोड़े डायगनल होते जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा और दूर जाएंगे और ऐसे बस नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे एक लेयर हुई, कैसे, पहले वर्टिकल था सेंटर से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे डायगनल होता गया, यहाँ पे एक और डायरेक्शन ड्रॉइंग कर लो हल्की हल्की, ठीक है, इस तरीके से। अब ये वाला पोर्शन आता शेडो वाला, तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, वर्टिकल स्ट्रोक्स लगाओ पहले तो, ठीक है, ताकि एक शेडो भर सको तुम, आराम आराम से वर्टिकल स्ट्रोक्स लगाए अपन ने, तो अब एक शेडो वाला डार्क एरिया फिक्स हो गया। तो ये मूछें आ रही थी यहाँ पे, ये जो ऐसे स्ट्रोक्स लगाए थे, इन्हें थोड़ा डार्क कर लो यहाँ पे। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने स्टार्टिंग में वर्टिकल स्ट्रोक्स लगाए, साइड में ले जाते डायगनल्स कर दिए उन्हें, एक डायरेक्शन यहाँ से उसे क्रिस क्रॉस करते हुए लाया और ऊपर लाके ज्वाइन कर दिया, ठीक है। हो सके तो ये वाले भी थोड़े से डार्क लगाना, इनके ऊपर भी एक एक हल्के हल्के। फिर मैंने क्या किया, जो अपन ने शेप बनाया था उसमें वर्टिकल स्ट्रोक्स भर दिए, और जो मूछे वाला पोर्शन इसमें अंदर आ रहा था उन्हें थोड़ा डार्क कर दिया। फिर अब इस तरीके से एक डायगनल फिल करो, डायगनल डायरेक्शन, ये थोड़े पास पास रखना और थोड़े डार्क रखना है, ठीक है, नोज के अंदर नहीं ले जाना, नोज के नीचे ही रखना, और जो नोज के अंदर जाए, जैसे ये वाला पोर्शन देखो, इसमें नोज के अंदर अंदर तक आ गया, जबकि अपनी रेफरेंस में अंदर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अपन अपनी मोनो जीरो इरेजर लो, ठीक है, ये वाली, और हल्का हल्का ये वाला पोर्शन जैसे लाइट है ना, तो वही चीज जहां पे एक्सेसिव अपने स्ट्रोक्स हो गए, हल्का हल्का ये इरेज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, हल्का हल्का, ताकि एक डिफरेंशिएट हो जाए। ये वाले पोर्शन में अगर हैचिंग डार्क रखना है तुम्हें, एक बार ध्यान रखना, तो एक और डायरेक्शन ऐड कर दो, क्योंकि मुझे डार्क इनफ नहीं लग रही थी अपनी, ठीक है। इस तरीके से मैंने नोज और लिप्स के बीच में जो मूछों वाला पोर्शन आता है, जो नोज की शेडो आती है, वो बनाई। फिर उसके बाद ये वाले पोर्शन में जहां एक्सेस मुझे को हैचिंग लग रही थी, ये वाला पोर्शन जो आता है इसमें मैंने अपनी मोनो जीरो इरेजर से वो हिस्सा इरेज कर दिया। तो इतना करो, तो देखो लिप्स वाले में, लिप्स अपन हर बार कैसे करते हैं, तो सीधी बात देखो, पहले तो लिप्स में वर्टिकली डालो, ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल डालते डालते पीछे तो जब जा रहे हो तो थोड़े ऐसे डायगनल होते जाना, नीचे भी डालो वर्टिकल, लेकिन उतना ज्यादा एकदम पास पास नहीं, थोड़ा गैप छोड़, गैप डालना बीच में, क्योंकि लेफ्ट वाले में देखो यहाँ पे गैप सा दिख रहा है, ठीक है, थोड़े लाइट लाइट डालना, तो ये अपनी फर्स्ट लेयर होती है, ठीक है। तो बीच वाली जो लेयर है उसे थोड़ा डार्क कर लो, फिर ऊपर वाली लेयर जो है वो थोड़ी डार्क है, ठीक है, ध्यान से देखो, तो ऊपर वाली लेयर जो है वो डार्क आ रही है अपनी, तो अपन उसे डायगनल में करेंगे, ठीक है,
डायगनल में डार्क करिए, जो सेंटर वाला कर्व है यहीं तक, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉज करो और फिर यहाँ पे एक और डायरेक्शन ऐसी डायगनल चालू करो, फिर इस और डार्क करना है अपन को, तो एक और डायरेक्शन डायगनल की डालो, क्योंकि अपर लिप देखो डार्क है अपना, इस तरीके से अपर लिप अपना हो जाता है। लोअर लिप में अगर ध्यान दो तो बीच में थोड़ी हाईलाइट से छूटे मिल रहे, तो या तो पूरा हैचिंग कर लो बाद में अपनी मोनो जीरो इरेजर से वो इरेज कर, या फिर बीच बीच में छोड़ सकते, तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है। कैसे करें अपन, नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स भेजना चालू करो, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स भेजना चालू करो, कुछ ऊपर तक, बहुत ऊपर तक, पूरे ऊपर तक चल सकते, कुछ ऐसे छोटे रह सकते, फिर गैप रह सकता, तो हैचिंग के बीच में जो ऐसे हाईलाइट्स आ रहे हैं ना, वो इसी तरीके से आ रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। बहुत ज्यादा एकदम प्रेशर के साथ मत करना, नॉर्मली करो और सब एक जैसे रख, एंड में जाते जाते ये हो गया। अभी जो ऊपर वाला डार्क एरिया है वो तुम्हें पता है क्या करना है, डार्क है, 8B पेंसिल लो अपनी, और 8B पेंसिल से अपन ने जो एक एरिया डिफाइन किया था ये उसे फिल कर दो, ठीक है, सेंटर वाले पोर्शन के अराउंड जो एरिया है उसे फिल कर दो, तो ये अपने लिप्स हो जाते हैं। तुम्हें बस एक चीज करना है, ब्लेंडिंग स्टंप लेना है, तो ये बीच वाला एरिया जो है उसे ब्लेंड करो, उसको हल्का सा करते करते थोड़ा नीचे लाओ और थोड़ा ऊपर ले जाओ ब्लेंड करते करते, ठीक है। तो ये अपने लिप्स बन जाते हैं।